तो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। एनिमल फिजियोलॉजी की यूनिट के क्रम में अपन सर्कुलेटरी सिस्टम, बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं। और बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन के अंदर अपन ने तीन पॉइंट जो मुख्य रूप से पढ़ने थे, उनमें अपन ने ब्लड को पढ़ लिया, ब्लड वेसल्स को पढ़ लिया, और अगले क्रम में अपना टॉपिक है हार्ट, हृदय, दिल। तो आज के इस टॉपिक में अपन आपके दिल को लेते हैं, मतलब आपके दिल को पढ़ते हैं। दिल को पढ़ने के क्रम में देखो, हार्ट के स्ट्रक्चर अपन एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पढ़ेंगे, बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना। सिंपल, आपने अब तक दिल का चित्र बनाया होगा कई बार। इस प्रकार आप डायग्राम बनाते हो, ये दिल है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ऐसे से अपन सीख जाएंगे। देखो, सबसे पहले इसकी लेते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, हार्ट की बाह्य संरचना, बाह्य स्ट्रक्चर। देखो, दो चार पॉइंट मैं बता रहा हूँ, आपके एक एक समझ में आएगा। कुछ पॉइंट लिखता हूँ। देखो, पहले हार्ट, अपन ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन हार्ट एक पेशीय संरचना है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसमें तंत्रिकाएं नहीं होती। हालांकि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कुछ तंतु होते हैं, परंतु तंत्रिकाएं नहीं होती, ऐसा मान के चले आप। पेशीय संरचना है, पेशियों से अपना जो तंत्रिका आपका हार्ट है वो कंट्रोल होता है। आकार की बात करें हार्ट की, ह्यूमन हार्ट आकार तो ऐसा कह सकते हैं अपनी जो बंद मुट्ठी है, मुट्ठी के आकार का। स्थिति बताएं कहां पर है ये, तो ऐसा कह सकते हैं दोनों फेफड़ों के मध्य, दोनों फेफड़ों के मध्य होता है एक फुफ्फुस अवकाश, या कह सकते हैं थोड़ा बाएं फेफड़े की तरफ इस अवकाश में स्थित। फेफड़ों के डायग्राम अपन ने बनाए थे इस प्रकार से, ये जो आपके ट्रेके आ रहा है इस प्रकार से, ये जो फेफड़ों के डायग्राम थे, तो ये वाली स्थिति है ना, यहाँ कुछ लेफ्ट साइड के अंदर बाएं फेफड़े की तरफ अवकाश में स्थित होते हैं, होता है हार्ट। ठीक है, इस हार्ट के फ्रंट में जो दिल स्थित है, इसके आगे या बोलेंगे अग्रतल में, अग्रतल में क्या है, उरोस्थि, रेस्पिरेटरी सिस्टम बड़ा था ना आपका स्टर्नम, हार्ट यहाँ पर है, इसके जस्ट आगे क्या आएगी, अपने श्वसन तंत्र में जो जो आपके वक्ष गुहा है ना, एक तरीके से वक्ष गुहा भी, वक्ष गुहा में स्थित थोरेसिक कैविटी में। तो अग्रतल में उरोस्थि, पश्चतल या कह सकते हैं बैक में, फ्रंट में तो उरोस्थि है और बैक पीछे की साइड में क्या होगा, इसके पीछे की साइड में उसकी ग्रसिका, इसोफेगस, क्योंकि श्वसन तंत्र है उसके जस्ट पीछे क्या है, पाचन तंत्र है, तो पाचन तंत्र में यहां पर हार्ट के आसपास कौन है, ग्रसिका है, तो इसोफेगस है। नीचे की तरफ क्या होगा इसके, बताइए आपको, नीचे की तरफ है डायफ्राम, ठीक है। अग्रतल में उरोस्थि, पीछे की तरफ ग्रसिका, नीचे की तरफ क्या है, डायफ्राम स्थित है। ऐसे इस अवकाश के अंदर ये आपके हार्ट है वो स्थित है। जो हार्ट है उसके ऊपर दो आवरण पाए जाते हैं, या कह सकते हैं दो झिल्ली,
उन दोनों झिल्लियों को बोलते हैं हृदयावरण, या बोल सकते हो पेरिकार्डियम। डबल लेयर होती है हार्ट के चारों तरफ, उसको बोलते हैं हृदयावरण या पेरिकार्डियम। इन दोनों आवरणों के मध्य, उनके मध्य क्या होगा, पेरिकार्डियल फ्लूड। हिंदी में लिखो तो क्या लिखोगे, परि हृदय तरल भरा रहता है। तो जब हृदय के अंदर संकुचन होता है, संकुचन के समय ये तरल है ना, हार्ट को किससे बचाता है, घर्षण से बचाता है। हार्ट के घर्षण ना लगे, जब संकुचित होगा हार्ट तो हार्ट के घर्षण ना लगे, उससे बचाता है कौन, ये तरल जो भरा रहता है। ठीक है, इसके बाद देखो कि जो मानव का जो हार्ट है, ह्यूमन का जो हृदय है, हार्ट है, इसके ऊपर कुछ भित्ति स्तर पाए जाते हैं, तीन भित्ति स्तरों का बना, तीन लेयर पाई जाती हैं का बना होता है कौन, हार्ट। इनको बाहर से अंदर की तरफ, है ना, ये जो है ना हृदयावरण, दोहरी झिल्ली हो गई, उनको पेरिकार्डियम बोला, और उसके बाद में ये जो तीन भित्तियों का बना है, तीन भित्तियों को बाहर से अंदर की तरफ, सबसे बाहर है एपिकार्डियम, मध्य में है मायोकार्डियम, बाहर मध्य और अंदर एंडोकार्डियम, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, मायोकार्डियम नाम से पता चलता है, देखो मांसपेशियों से बनी, मोटा स्तर, ये भी सारे मांसपेशियों से बने पर ये मोटा स्तर है मायोकार्डियम। ठीक है, हृदय के अंदर जो पेशियां पाई जाती हैं उनको क्या कहा जाता है, हृदय पेशी, हार्ट मसल्स। मसल्स पढ़ेंगे अपन, आपके मसल का टॉपिक भी है, तो मसल पढ़ेंगे, उनमें पेशियों का प्रकार आएगा, तो उनमें एक प्रकार होगा कौन सा, हृदय पेशियां, जो कि आपके हार्ट के अंदर पाई जाती हैं, इस प्रकार से प्रेजेंट है। तंत्रिकाएं, तंत्रिकाओं का अभाव होता है, ये लो जी, सरलतम तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसकी इसको नोट कर लेना, सरलतम तरीके से ह्यूमन हार्ट की बाह्य संरचना में ये बातें याद रखनी है आपको। हार्ट पेशीय संरचना है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है, स्थिति कहां पर है, दोनों फेफड़ों के मध्य, जो वक्ष गुहा है वहां पर, फुफ्फुसीय अवकाश है उसमें स्थित है, बाएं फेफड़े की तरफ स्थित होता है, थोड़ा अवकाश में है पर थोड़ा बाएं तरफ की होता है। फ्रंट में इसके कोण है, उरोस्थि है, स्टर्नम है, पश्च तल में कोण है, ग्रसिका इसोफेगस है, नीचे की तरफ कोण है, डायफ्राम है, तनुपट है। दो आवरण पाए जाते हैं इसके ऊपर, दोनों आवरण को बोलते हैं हृदयावरण, पेरिकार्डियम बोला जाता है। दोनों आवरण के मध्य, जो हार्ट जहां पर स्थित है ना, हार्ट के बाहर दो आवरण होते हैं, उन दोनों आवरणों में तरल भरा रहता है। तो जब हार्ट संकुचित करे ना, जैसे मान लो ये इस प्रकार से हार्ट है, तो इसके ऊपर ये बाहर के डबल आवरण है, इस प्रकार से ये, इसके अंदर क्या होगा, तरल भरा रहेगा। तो जब ये संकुचित होगा ना, तो इधर की तरफ आएगा, तो जो घर्षण नहीं लगेगा, संकुचन के कारण से घर्षण नहीं लगेगा, उसके कारण से हृदय आवरण पाए जाते हैं। इनके मध्य भरा रहता है परिदर्द, हृदय तरल, संकुचन के समय हार्ट को घर्षण से बचाता है। इसके बाद में जो हार्ट आ जाएगा, ये तो हार्ट के बाहर है हृदय आवरण, और हार्ट जब आ जाएगी स्ट्रक्चर, उस हार्ट के स्ट्रक्चर में तीन स्तर पाए जाते हैं, तीन भित्तियां पाई जाती हैं, बाहर की भित्ति को बोलते हैं एपिकार्डियम, मध्य की भित्ति को बोलते हैं मायोकार्डियम, और अंतः भित्ति को बोलते हैं एंडोकार्डियम। इस प्रकार से ये वाली स्थिति होती है, पेशियां पाई जाती है, तंत्रिका यहां पर नहीं पाई जाती। ये स्ट्रक्चर इसकी कैसी हो गई, बाह्य संरचना हो गई, इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना में देखो, पहले आप एक चीज समझो, देखो
एक मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, सही भी बनाऊंगा अभी आपको थोड़ा सा एक बार समझाने के लिए। ये वाला एक हर्ट का डायग्राम है सिंपल सा। इसमें देखो दो तीन बातें आप यही समझ लो, फिर अपन डायग्राम सही बनाएंगे। ये क्या है? लेफ्ट ओरिकल, बायां आलिंद। ये क्या है? राइट ओरिकल, दायां आलिंद। ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां नीले। और ये क्या है? राइट वेंट्रिकल, दायां नीले। मानव का हृदय चार कक्षों का बटा होता है, दो आलिंद होते हैं, दो नीले होते हैं। सभी स्तनधारियों में, सभी पक्षियों में ऐसा ही होता है, सभी बर्ड्स में और सभी मेमल्स के अंदर दो आलिंद और दो नीले पाए जाते हैं। ठीक है, आपके रेप्टाइल्स और आपके एम्फीबिया, उनमें क्या होगा? दो आलिंद और एक नीले होगा, जबकि मछलियों के अंदर एक आलिंद और एक नीले होगा। मछलियों में ये जो ट्रिक पढ़ते हैं ना, परम, इसका मतलब पाइसीज, एक आलिंद एक नीले, एक ओरिकल एक वेंट्रिकल। एम्फीबिया रेप्टाइल में पढ़ेंगे दो ओरिकल एक वेंट्रिकल, इधर पढ़ेंगे दो ओरिकल दो वेंट्रिकल। यहाँ रेप्टाइल में, मगरमच्छ वगैरह में अपवाद है, साढ़े तीन हृदय होते हैं, साढ़े तीन कक्ष होते हैं, और उन कक्षों के हिसाब से देखा जाए तो चार ही कक्ष हो गए। साढ़े तीन का मतलब आधा भी तो है ही ना, तो अपने आप में काउंटिंग में आ जाता है, तो साढ़े तीन कक्ष या चार कक्ष पाए जाते हैं। ये वाली स्थिति है। अब देखो ये स्थिति होगी राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इस प्रकार से ये स्थिति यहाँ पर हो गई हर्ट की। अब देखो इसके अंदर कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूं, ये वाली स्थिति, तो ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये जो रक्त है उसका संग्रह करेगा, कलेक्शन एरिया है ये, और ये क्या करेगा? वितरण करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन है ये। ये डिस्ट्रीब्यूटर है और ये कलेक्टर है, कलेक्ट करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लेगा और भेजेगा। ठीक है, इसमें रक्त कहां से आएगा? पल्मोनरी वेन, फुफ्फुसीय सीरा से। इसमें रक्त कहां से आएगा? वेन्यूल से, महाशिराओं से। मतलब आलिंदों में रक्त आता है और नीलेयों से रक्त जाता है, आलिंदों में रक्त आता है, नीलेयों से रक्त जाता है, आलिंदों में रक्त आता है सिराओं के सहायता से, चाहे वो पल्मोनरी सिरा हो, फुफ्फुसीय सिरा हो, चाहे आपके वेन्यूल हो, महासिरा हो। मतलब हृदय के अंदर रक्त लेके कौन आएगा? सिरा लेके आएगी। हृदय से रक्त लेकर कौन जाएगा? धमनी लेकर जाएगी। अब देखो यहां से रक्त निकलता है, यहां से रक्त निकलता है, कहां जाएगा? बॉडी में जाएगा। कौन ले जाएगा? महाधमनी, अओर्टा। यहां से रक्त निकलेगा, कहां जाएगा? फेफड़ों में जाएगा। कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी। मतलब हार्ट से जब निकल रहा है रक्त तो धमनियों से निकल रहा है, और हर्ट में जब रक्त आ रहा है तो किससे आ रहा है? सिराओं से आ रहा है। क्लियर है? अब देखो अगर इसको अपन इस प्रकार से डिवाइड करें, ऐसे मान लो, ऐसा मैं अगर एंगल लगाऊं एक, और एक एंगल ऐसा लगाऊं, एक एंगल ऐसा लगा दिया, तो मैं कह सकता हूं कि ये कौन सा भाग हो गया? दायां भाग। ये कौन सा हो गया? बायां भाग। पूरा ये पूरा बायां भाग, ये पूरा क्या हो गया? दायां भाग। बीच का तो सेप्टम ही है ना,
इसके आधार पर उधर वाला बायां, इधर वाला दायां भाग। दायां भाग है उसके अंदर हमेशा कौन सा रक्त रहेगा? अशुद्ध रक्त। जबकि बायां भाग है उसमें कौन सा रहेगा हमेशा? शुद्ध रक्त। ठीक है, इसमें जो रक्त आएगा वो कौन सा होगा? प्योर। इससे निकलेगा वो कौन सा होगा? प्योर, क्योंकि बायां भाग है ही किसके पास? शुद्ध रक्त है। शुद्ध रक्त का मतलब क्या हुआ? जिसके पास में ऑक्सीजन मिली हुई है। इधर इसमें रक्त कहां से आएगा? पूरी बॉडी से, अशुद्ध। इसमें कहां से कहां पर जाएगा? फुफ्फुस के पास, फेफड़ों के पास, अशुद्ध। इसमें अशुद्ध, इसमें अशुद्ध, ये बायां भाग दायां भाग हो गया, अशुद्ध रक्त का हो गया। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ये चीजें आ गई कि ये बायां भाग है शुद्ध रक्त को लेके जाता है, रखता है, दायां भाग है वो अशुद्ध रक्त रखता है। एक बात, ऊपरी कक्ष है उनमें आलिंद पाए जाते हैं, रक्त का संग्रहण करते हैं। निचला कक्ष है नीले पाए जाते हैं, रक्त को वितरण करते हैं। संग्रहण करेंगे तो बायां आलिंद है वो कहां से संग्रह करेगा? वो करेगा फेफड़े से शुद्ध रक्त। और दायां आलिंद है वो चूंकि दायां भाग है शुद्ध को करता है, तो ये कहां से संग्रहण करेगा? पूरी बॉडी से अशुद्ध को करेगा। तो एक शुद्ध को करेगा, एक अशुद्ध को करेगा। ठीक है, उसके बाद ये दे देंगे किसको? बायां आलिंद बोलता भैया मैं बायां नीले को दूंगा, दायां आलिंद बोलता मैं दायां नीले को दूंगा। करोगे क्या? बायां नीले कहता है कि मैं पूरी बॉडी में भेज दूंगा क्योंकि मेरे पास शुद्ध है, और ये कहता है मेरे पास तो अशुद्ध आया, तो पूरी बॉडी में तो भेज नहीं सकते, तो मैं कहां भेजूंगा? शुद्ध होने के लिए किसके पास? पल्मोनरी आर्टरी से मैं भेजूंगा। किसके पास? फेफड़ों के पास में, शुद्ध होने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से अपन हार्ट की एक एक नॉर्मल जो आउटलाइन स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। ये वाली बात पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसको एक एक पॉइंट से समझेंगे। डायग्राम पहले समझ लेना कैसे बनाना है, पूरा समझने के बाद आप बनाना। देखो, कुछ इस प्रकार से मुड़ा हुआ रहता है, ये वाली स्ट्रक्चर हो जाएगी कुछ इस तरह से। ये लेफ्ट ओरिकल, राइट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल बटेंगे किससे? इस प्रकार ये सेपरेट रहते हैं। बायां आलिंद और जो बायां नीले है उसके बीच में एक सेप्टा पाया जाएगा, कपाट पाया जाएगा। कपाट है ना, ये तो दीवार है और बीच में कपाट है, ये वाले। ठीक है, अब देखो इसके अंदर रक्त आ रहा है फुफ्फुस ये सिरा से, पल्मोनरी वेन से लाते हैं रक्त इनके माध्यम से, दो स्थान से आ रहा है, आता चार जगह से। मैं सिंपल तौर पे दो डायग्राम बना रहा हूं। तो इन दोनों को क्या बोल देंगे? पल्मोनरी, हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लेना, पल्मोनरी वेन। आ गया, इसमें आ गया, इसके जरिए इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसमें आएगा कहां से? एक आएगा बॉडी के ऊपर भाग से, जिसको बोलेंगे ऊर्ध्व महासिरा, अपर वेन्यूल, और एक बॉडी के निचले भाग से आ रहा है जिसको बोलेंगे लोअर या निम्न महासिरा। हिंदी इंग्लिश के लिख लेना, मैं बता रहा हूं दोनों टर्म साथ साथ में, जैसा आ रहा है दिमाग में वैसा लिख रहा हूं। ठीक है, इस प्रकार से आ गया हार्ट के अंदर, ये प्रवेश कर गया, दाएं आलिंद में आ गया और बाएं आलिंद में रक्त आ गया। ठीक है, अब देखो दाएं बाएं आलिंद से बाएं नीले में आ गया और दाएं आलिंद से दाएं नीले में आ गया।
अब जब जो बाहर निकलेंगे उसके लिए अपन इस प्रकार से बनाते हैं। देखो आपको यहां से डायग्राम बनाना है, कच्ची पेंसिल से बना लेना है डायग्राम, और लगभग बीचों बीच यहां लेके आना है इस प्रकार से, और बीच के समाचार मिटा देना। ये हो गया ठीक है, और इसके दो भाग कर दो। इसको बोलेंगे पल्मोनरी ट्रंक, जो आगे चलकर इनमें आ गया ना, इसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी, दोनों ही। तो पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से कहां चला जाएगा, ये जाएगा कहां, इससे दायां लीन से कहां जाएगा बताओ, कहां जाएगा, ये जाएगा फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए। ठीक है, अब आगे लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको नीचे बनाता हूं, देखो ज्यादा ऊपर हो गया ये। इस प्रकार से ठीक है, आगे यहां से शुरू करोगे, इसको मिटा देना, ये लो जी ठीक है। ये क्या हो गया, दाएं आलिन से बाएं नीले से कहां निकल के जा रहा है, महाधमनी, तो इसको क्या बोल देंगे, महाधमनी या अओर्टा। ठीक है, मतलब अब रास्ता क्या हो गया, रक्त आया इधर से आया, ये इसके जरिए इसमें आया, ऐसे निकला निकला पूरी बॉडी में गया। ठीक है, पूरी बॉडी में घूम के वापस आया, अशुद्ध गया, तब शुद्ध था, आया अशुद्ध, इधर से आया, इधर से आया, इसमें आया, इसमें आया, इसमें आया, इसमें आया, इधर आया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, कहाँ चला गया, फेफड़ों के पास शुद्ध होने चला गया। क्लियर है, आगे देखो, बायां आलिंद और बायां आलिंद और बायां नीले के बीच में ये जो जगह है, ये वाली जगह है, उसको बोलते हैं बाई कस्पिड वाल्व या मिट्रल कपाट भी बोलते हैं, मिट्रल वाल्व। हिंदी में लिखो तो द्विवलन कपाट कहां पाया जाता है, बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में। ठीक है, दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में पाया जाता है, उसको बोलते हैं ट्राई कस्पिड वाल्व। क्लियर है, इस वाल्व का काम क्या है कि जब आलिंदों से नीलियों में रक्त आ गया तो वापस नीलियों से आलिंद में नहीं जाए, एक तो आने के लिए रास्ता चाहिए और एक वापस नहीं जाए उसके लिए रुकावट चाहिए, तो ये वाल्व ये काम करते हैं कि आ गया सो आ गया, वापस नहीं जाएगा। और इन वाल की दीवारों पर, इन वाल की दीवारों पर ऐसे इस प्रकार से कुछ तंतुओं का समूह पाया जाता है, और तंतुओं का समूह क्या करेगा, इसको जाने नहीं देगा रक्त को वापस। दीवारें होती हैं, छेद होता है यहां पर, परंतु ये इस प्रकार से तंतु पाए जाते हैं जो रक्त को वापस रिटर्न नहीं जाने देता। ठीक है, अब देखो इधर भी रक्त जा रहा है, इधर जा रहा रक्त, अब ये जो रक्त जा रहा है ना इधर किससे, बाएं नीले से महाधमनी में, तो एक कपाट यहां भी होना जरूरी है, क्योंकि बाएं नीले से जब महाधमनी में गया, हो सकता है वापस महाधमनी से बाएं नीले में आ जाए,
तो रिटर्न ना आए तो यहां पर कपाट पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेमी लूनर या अर्धचंद्राकार कपाट। और ऐसा ही कपाट कहां होता है, इधर जब दाएं नीले में रक्त आ गया और फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए जा रहे हैं तो वापस ना आ जाए, तो इन दोनों जगह पर, कहां पर, एक तो यहां पर और एक यहां पर, इन दोनों जगह पर पाया जाता है, उसको बोलते हैं सेमी लूनर वाल्व या बोलेंगे अर्ध चंद्राकार कपाट। ठीक है, एक ये कपाट है जिसने दोनों नीलों को अलग कर रखा है, इसलिए इसको बोलेंगे अंतरा निलय कपाट, अंतरा निलय कपाट, इंट्रा वेंट्रिकल सेप्टा कपाट बोल दिया। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो जगह है इसमें भी दो है कपाट, तो यहां वाला जो नीचे जिस कपाट लग रहा है ना, ये वाला सेपरेट कर रहा है, उसको बोलेंगे अंतरा आलिंद कपाट। ठीक है, दोनों आलिंदों के बीच में अंतरा आलिंद कपाट, दोनों नीलयों के बीच में अंतरा नीले कपाट। ठीक है, आई बात समझ में, ये क्लियर हो गया। इस प्रकार से ये हार्ट की एक इंटरनल स्ट्रक्चर होती है और ब्लड का फ्लो इसी प्रकार से होता है। अब मैं पॉइंटों में कुछ बातें आपको लिखा देता हूं, आप फटाफट नोट कर लीजिए और डायग्राम को बना लीजिए। पॉइंट वाइज लिखा रहा हूं, डायग्राम बना रहेगा, साथ साथ में चीजें ध्यान में रहे, बतानी पड़े कभी। पहला पॉइंट देखो, मानव हृदय चार कक्षों में बटा, बंद कर देते हैं इसको, दो आलिंद व दो नीले। दूसरा पॉइंट, आलिंदों की भित्ति नीलेयों की भित्ति से पतली, मतलब नीलेयों की भित्ति होती है मोटी होती है, आलिंदों की भित्ति होती है वो पतली होती है। ठीक है, आगे ऊपरी दो कक्ष क्या कहलाते हैं, आलिंद, इंग्लिश में बता दूं आलिंद को ओरिकल बोलेंगे और नीले को वेंट्रिकल बोलेंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट, निचले दो कक्ष नीले, ऊपरी दो कक्ष आलिंद, निचले दो कक्ष नीले। पांचवा पॉइंट, बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त, दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त आता है। क्लियर। छठा पॉइंट, बाएं नीले से शुद्ध रक्त, दाएं नीले से अशुद्ध रक्त जाता है। क्लियर है, आई बात समझ। ठीक है, अब ये अपन ने लिखा कि जो दाया बायां, बायां आलिंद है, बायां नीले, जो बायां नीले है वो संपूर्ण शरीर को रक्त सप्लाई करता है, ठीक है, शुद्ध रक्त सप्लाई करता है महाधमनी के द्वारा। इसमें हृदय को भी शुद्ध रक्त की आवश्यकता पड़ेगी,
तो हृदय को शुद्ध रुधिर है वो दिया जाता है कोरोनरी आर्टरीज द्वारा। ये अलग नोट कर लेना बात, कोरोनरीज आर्टरीज द्वारा। एक अपने डायग्राम में नहीं लिखा यहां पे, देखो दोनों आलिंदों को दोनों नलियों से पृथक करने वाली भी दीवार है ये वाले पट, इनको क्या बोलेंगे, दोनों को इधर वाले दोनों क्या बोलेंगे, इधर लिखता हूं मैं, आलिंद निले पट या कोरोनरी सल्कस, कोरोनरी सल्कस। तो क्वेश्चन ये आता है कि कोरोनरी सल्कस कहां है, कोरोनरी सल्कस का मतलब है दोनों आलिंद और दोनों निलयों को पृथक करने वाले सेप्टा दीवार को क्या बोलते हैं, कोरोनरी सल्कस, ये दीवार को बोलते हैं। पट तो आ गया ना भाई, ये तो पट आ गया, वाल आ गया ना, वाल का नाम तो इधर तो बायोकस्पिड वाल है, इधर ट्राइकस्पिड वाल है, पर ये दीवार जो इनको अलग कर रही है आर्टरी को इधर आलिंदों को नीले से पृथक कर रही है, उस दीवार का क्या नाम है, उसका नाम है कोरोनरी सल्कस या आलिंद नीले पट। अगला पॉइंट देखो, हार्ट में जो प्योर ब्लड है वो किसके द्वारा आ रहा है, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, ये ना ये इनके द्वारा, दो डायग्राम बनाए, चार होती है ये, पल्मोनरी वेन के द्वारा आता है क्या हार्ट में प्योर ब्लड, आ गया मिल गया इनको, और हार्ट को प्योर ब्लड सप्लाई अभी यहां लिखा था कोरोनरी आर्टरी द्वारा मिल जाएगा, आया ये तो हार्ट के पास आ गया लेफ्ट ओरिकल के अंदर, लेफ्ट से यहां गया, यहां से पूरी बॉडी में जा रहा है, उसी समय हार्ट को खुद के लिए चाहिए तो कोरोनरी आर्टरी ले जाएगी। इसी प्रकार से हार्ट में इम्प्योर ब्लड किससे आ रहा है, ऊर्ध्व महाशिरा और पश्चिम महाशिरा से, कहां आ रहा है, दाएं आलिंद में। अब देखो हार्ट ने खुद ने काम किया, हार्ट ने अभी शुद्ध रक्त लिया था जिसको कोरोनरी आर्टरी से भेजा था, तो हार्ट के पास खुद के पास भी तो अशुद्ध रक्त हुआ होगा, हार्ट ने खुद ने भी तो काम किया होगा, तो हार्ट का खुद का रक्त भी तो अशुद्ध हुआ है ना, तो प्लस हार्ट का अशुद्ध रक्त किसे आएगा, कोरोनरी वेन से, या इसको बोल सकते हैं कोरोनरी साइनस से आता है, कहां आएगा, यहीं पर अशुद्ध आएगा इसमें, पर बाकी पूरी बॉडी का तो आएगा महाशिराओं से, ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा से, जबकि हार्ट का खुद का अशुद्ध रक्त किससे आएगा, कोरोनरी वेन या कोरोनरी साइनस, साइनस और सल्कस में कंफ्यूजन मत हो जाना, कोरोनरी साइनस से तो अशुद्ध रक्त आ रहा है, कोरोनरी आर्टरी से, कोरोनरी वर्ड आ गया ना, इसका मतलब ये हृदय से संबंधित है, तो कोरोनरी आर्टरी का मतलब वो धमनी जो कि हृदय को रक्त दे रही है शुद्ध, कोरोनरी साइनस का मतलब जो हृदय से अशुद्ध रक्त ले रही है, और कोरोनरी सल्कस का मतलब इन दोनों आलिंदों को दोनों नलियों से पृथक करने वाली दीवार। तीन बात याद रखना, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आपके साइनस और कोरोनरी सल्कस, सल्कस का मतलब पृथक करने वाली दीवार, साइनस का मतलब क्या हुआ कि हृदय से अशुद्ध रक्त लेने वाली सिरा, और कोरोनरी आर्टरी का मतलब जो हृदय को शुद्ध रक्त देने वाली धमनी। ठीक है, यह बात हो गई। आगे देखो, आगे दोनों आलिंदों के मध्य क्या पाया जाता है, अंतरा आलिंद कपाट। ठीक है, आगे दोनों निलयों के बीच में, दोनों निलयों के मध्य
क्या होता है? अंतरा निलय कपाट, ठीक है, ये वाली बात हो गई। इसी प्रकार से बाया आलिंद व बाया निले के बीच जो पट है ना, वाल है, उसको बोलेंगे मिट्रल वॉल्व या बोलेंगे बाइकस्पिड वाल्व, ये वाला। इसी प्रकार से दाया आलिंद व दाया निले के बीच जो पट है उसको बोलेंगे ट्राई कस्पिड वॉल्व। ये हो गया। अब देखो जो दोनों आलिंद है ना, दोनों आलिंद है, ये आलिंद और ये आलिंद, इनके बीच में एक छिद्र होता है बाएं व दाएं आलिंद के मध्य छिद्र, जिसको बोला जाता है आपके फोसा ओवेलिस, जो बच्चे के अंदर क्या कहलाता है, फोरामेन ओवेल, ओ वी ए एल ई, है ना, अंडाकार छिद्र, अंडाकार छिद्र हो गया। ये बच्चे में होता है, छोटे बच्चे में, और धीरे धीरे समय के साथ अपने आप ये क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। कभी बताते हैं ना, बोले बच्चे के हृदय में छेद है, छेद का मतलब उनके दोनों आलिंदों के मध्य एक छिद्र होता है, शुरुआत में होता है, बाद में वो भर जाता है, अपने आप ही कवर कर लेता है वो बच्चा, और साल दो साल में ही, या कईयों में होता है, कईयों में पहले ही भर जाता है। तो ये फोरामेन ओवेल उसको बोला जाता है, अंडाकार छिद्र, जो कहाँ पर है, दोनों आलिंदों के मध्य में, इस प्रकार से पाया जाता है, ये वाली स्थिति इसके अंदर होती है। अब देखो आलिंद और निले, आलिंद और निले के बीच में जो पट हैं, है ना, ये जो वाल हैं, इन वाल पर कुछ आपके तंतु पाए जाते हैं, उन तंतु के कारण से ही जब रक्त इधर से इधर आ गया ना, तो वापस नहीं जाता, और वापस नहीं जाने के साथ साथ में ये इसको खींचे रखते हैं वाल को, तो ये विपरीत साइड में नहीं जाने देते, इसलिए यहाँ पर कुछ तंतुओं का इस प्रकार से एक जाल पाया जाता है, जाल स्थिति होती है। आगे लास्ट पॉइंट एक और लिखो, लास्ट पॉइंट क्या लिखोगे, लास्ट पॉइंट ये लिखोगे कि बायां निले प्लस महाधमनी के, महाधमनी के जॉइंट पर, संधि पर क्या होता है, अर्धचंद्राकार कपाट, ये वाला। और इसी प्रकार से दायां निले प्लस फुफ्फुसीय धमनी का जो स्थान है, के जॉइंट मान लो, पर भी क्या होता है, अर्ध चंद्राकार कपाट। आगे क्या लिखोगे, द्विवलन कपाट कोमा त्रिवलन कपाट कोमा अर्ध चंद्राकार कपाट, तीनों ही एक दिशीय होते हैं, एक दिशीय होते हैं, इनकी संख्या दो होती है, इनकी संख्या एक एक होती है। ये टोटल हृदय की बाह्य व आंतरिक संरचना के बारे में मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। बाकी जैसे जैसे अपन हृदय की कार्य प्रणाली पढ़ेंगे, और कोई एक आधी बात आएगी तो अपन उसको और ले लेंगे। एक छोटे से डायग्राम को अपन कार्य प्रणाली में समझेंगे, इसलिए उसको छोटे से डायग्राम को मैं और लेता हूँ, आपके लिए काम आएगा वो, उसको आप समझिए। इस प्रकार से जो अपन ने समझा, आइए इसमें देखो, इस प्रकार से जो समझा अपन ने, इसके अंदर
ये आपके दोनों आलिंदों के बीच की दीवार, ये होगी दोनों नीलों के बीच की दीवार, ये यहां पर होता है थोड़ा सा इधर एस ए नोड, बस एक बार थोड़ा बना के छोड़ देना, बाद में काम आएगा अपने। यहां अपने को पढ़ना है ए वी नोड, इस पर पाए जाते हैं ये हिंज तंतु, ठीक है, हिंज बंडल, और इन दीवारों पर यहां पर ये पूरे पूरे ये होंगे पुरकिंजे तंतु। ये हृदय कार्य प्रणाली पढ़ेंगे तो चार चीजें काम आएंगी, ऐसे नोड, एवी नोड, हिंज बंडल और पुरकिंजे तंतु। एक चीज और देखो, ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम में ये जो दीवार है ना, इस प्रकार से ये डबल है, ये वाले से, ये देखो एपिकार्डियम, ये मोटी मायोकार्डियम, और ये एंडोकार्डियम, ठीक है। इस प्रकार से अपन ने कंप्लीट हार्ट की स्ट्रक्चर को समझा है। आगे अपन अगले पॉइंटों में हार्ट बीट है, हार्ट साइकिल है, उसको पढ़ेंगे। आप इसको अच्छे से समझना, अच्छे से एक बार नोट कर लेना, बढ़िया सा डायग्राम बनाना, और उसके बाद में अपन दो पेन से बना लेना, पर्याप्त हो जाएगा, ब्लू और ब्लैक, या फिर आपके पास और है तो कोई कलर पेन काम में ले लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि, नमस्कार।